और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लॉकडाउन उल्लंघन पर एसपी विधायक पर केस दर्ज, विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इरफान सोलंकी के भाई समेत समर्थकों पर यह केस दर्ज हुआ है। लापरवाही बरतने पर तकिया पार्क चौकी इंचार्ज को भी यहां निलंबित किया गया है। सीओ और थाना प्रभारी से मांगी गई सफाई कानपुर के हॉटस्पॉट इलाके में भीड़ जुटाने का यह आरोप है। करीब 100 लोगों की भीड़ जुटाई थी और मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। तो देखिए, एक बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। इरफान सोलंकी के भाई समेत कई समर्थकों पर यह केस दर्ज किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया यहां पर और इलाके में भीड़ जुटाने का आरोप है। करीब 100 लोगों की भीड़ जुटाई गई थी यहां पर और मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कानपुर के हॉटस्पॉट इलाके में भीड़ जुटाने का यह आरोप है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करना है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहां पर भीड़ इकट्ठी हुई है, किस तरीके से लॉकडाउन का यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है। तो देखिए, यहां पर इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई और जो तमाम लोग हैं समर्थक जो हैं उन पर अब ये केस जो है वो दर्ज हो गया है और अब इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब भीड़ जुटी थी यहाँ पर और किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। और देखिए, मुंह पे मास्क भी नहीं लगाए इन्होंने और आसपास किस तरीके से लोग इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और करीब 100 लोगों की भीड़ जुटाई थी मौके पर, देखिए पुलिसकर्मी भी मौजूद थे यहाँ पर। अब इस पूरे मामले पर सफाई मांगी गई है। तो विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और साथ ही उनके जो कई समर्थक हैं उनके खिलाफ भी यहां पर ये केस दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है। बिल्कुल, उल्लंघन किया गया था और जब न्यूज 8 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया तो उसके बाद अधिकारियों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जब जाँच की गई तो जो विधायक है इनके और इनके भाई फरहान लारी और जो इनके समर्थक थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। क्योंकि एक हॉटस्पॉट इलाका है चमनगंज और वहां पर इस तरह पंचायत लगाना और जो झूठी जानकारी है उसको लेकर पुलिस से जवाब तलब करना, तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला बनता था। तो पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। जो अज्ञात लोग हैं वो अनलिमिटेड लोग उनको इनमें एफआईआर में शामिल किया गया है। बताया गया है कि बहुत भारी संख्या में भीड़ थी, लेकिन विधायक और उनके भाई के खिलाफ धारा 144 और महामारी एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात आती है कि जनप्रतिनिधि जब इस तरह की लापरवाही करते हैं तो कम से कम एक गलत मैसेज जाता है और शायद उसी का परिणाम रहा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही है यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी तरह से कोई रोक टोक नहीं, कोई कार्रवाई नहीं और यहाँ पर मूक दर्शक बने हुए हैं। साथ ही जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, उनकी भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।